अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी बच्चों, सॉरी, वो मुझसे आप लोगों को ने मिस्टेक ने लिंक सेंड हो गया था। वो मैं बस दूसरे क्लास को सेंड करती थी और आप लोगों को ईमेल नहीं किया, तो सॉरी बच्चों। जी बच्चों, आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कोई इश्यू है, उसमें कोई प्रॉब्लम? जी क्लास, जी जाहिद हुसैन, आपने कुछ पूछना, आपको कोई इश्यू है उसमें? जी बच्चों, आपको कोई प्रीवियस लेक्चर में कोई इश्यू है जो हम डिस्कस कर लें? आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने एचआईवी का लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ पूछना है? नो नो मैम, मैम। मुझे अच्छा बच्चों, आप लोगों से एक बात मैंने डिस्कस करनी थी कि मैंने आप लोगों की आज अटेंडेंस देखी है, तो मैंने उसमें ये देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना, मोस्टली या कुछ किसी ने 3 मिनट्स के लिए ज्वाइन किया है, और इवन के 1 मिनट के लिए भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन की हुई है मीटिंग। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोगों को ये बातें क्लियर कर दूं कि जिन्होंने 1 मिनट के लिए या 6 या 10 15 मिनट के लिए मीटिंग ज्वाइन किया है, मैं उनके एबसेंट मार्क किया करूंगी। ठीक है, ये आपको मैं अभी स्टार्ट सेमेस्टर में ही बता रही हूँ, क्योंकि बाद में मुझे कोई स्टूडेंट यही नहीं कहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 45 या 50 मिनट्स का लेक्चर है, उसमें से आप लोग 1 मिनट के लिए मीटिंग में आ रहे हैं, कोई 9 मिनट के लिए आ रहा है, कोई 6 मिनट के लिए आ रहा है, तो बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट राइट। क्लियर है? तो प्लीज आप लोगों को मैं अभी से वार्न कर रही हूँ, मैं असिस्ट आप नेक्स्ट से जो भी मिनिमम 30 मिनट से कम मीटिंग ज्वाइन करेगा, उसकी मैं अटेंडेंस नहीं मार्क किया करूंगी। ठीक है, मैम, इवन तो उनके कभी थर्ट कभी डिस्कनेक्ट भी तो हो जाता है ना बीच में, तो वो दोबारा से ज्वाइन करना पड़ता है। तो वो जब दोबारा से आपको ज्वाइन करना पड़ता है, तो आपकी टाइमिंग आ जाती है, वो कोई इशू नहीं आता। ठीक है ये तो मैम, उन बच्चों के लिए जो सिर्फ 3 मिनट्स एक दफा वो ऑनलाइन होते हैं और फिर बाद में बस वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ऑफलाइन हो जाते हैं कि हमारा इसमें उसमें तो आ गया है कि हमने उसमें रिकॉर्ड में आ गया कि हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया था मीटिंग को। क्योंकि मैं 30 मिनट्स तक तो आई थिंक आपको लेक्चर प्रॉपर होता है, जिसमें आपको पूरा लेक्चर पढ़ाया जाता है, बाकी एटमोस्ट 15 20 मिनट्स जो होते हैं वो वैसे ही उसमें कोई ना कोई हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सब बच्चों के लिए है कि मुझे नेक्स्ट, ये ना आप लोगों का मुझे एट द एंड कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि मेरी एबसेंट क्यों मार्क की, मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर रही हूँ, जिसकी जो होगी वो 30 मिनट से कम जिसकी होगी, मैं उसकी एबसेंट मार्क करूंगी। ठीक है, और बच्चों ये कि मैंने आप लोगों का क्विज भी अरेंज करना है, तो नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों का क्विज अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे का क्विज रख लेते हैं हम। क्लियर ओके है मैम, कितने लेक्चर्स? बेटा? आज 6 लेक्चर्स हो जाएंगे, तो हम 6 लेक्चर तक कर लेते हैं। वैसे थर्सडे के लिए हम वेडनेसडे को भी रख सकते हैं, क्योंकि एलएमएस भी मैंने आप लोगों का लेना है, तो मैं उस पर अपलोड कर दूंगी, टाइमिंग आप लोगों को उस पर बता दूंगी, तो वो फिर आप लोग उस पर कर लीजिएगा अपना क्विज। ठीक है, थर्सडे एमसीक्यूज सही थर्सडे। ठीक है है मैम। पैटर्न क्या होगा बेटा, एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज मैम? कितने एमसीक्यूज होंगे और टाइम कितना होगा? बेटा। अभी मैं पेपर बनाऊंगी तो बता दूंगी, उसमें अभी मैंने बनाए नहीं है। ठीक है, जी लेकिन मैम, ठीक है। मैं आप लोगों को उसमें जो भी एलएमएस का अपलोड कर दूंगी या ईमेल कर दूंगी, लेकिन वैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आप लोग भी प्रिपेयर, 6 लेक्चर्स कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आज हमारा 6 लेक्चर हो जाएगा, उन 6 लेक्चर्स में से आपका मैं क्विज लूंगी। ठीक है, आप लोग फिर अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है बच्चों, ओके ओके मैम। आप लोगों को जो भी मैंने बात, जिन लोगों ने भी मीटिंग नहीं ज्वाइन की या जो एब्सेंट हैं, प्लीज आप लोग जो भी अपना ग्रुप है उसमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा सब स्टूडेंट्स को। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं।
क्लियर है जी। अस्का आपने कुछ पूछना है? अस्का शहजाद और जाहिद हुसैन कोई प्रॉब्लम है आप लोगों? मैम आप 5 लेक्चर्स कर लें भाई ये क्विज में बेटा। नहीं पता है क्या, अभी आप लोग अगर 6 दे देंगे ना तो बाद में आप लोगों के लिए इजी रहेगा उसमें, फिर अगर मिड्स भी आएंगे तो उसमें कोई आप लोग अभी साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही रहेगा, फिर अगर मिड आ जाएगा तो फिर मिड में ज्यादा हो जाएंगे ना, तो मैं यही है कि इसमें हाफ क्या होगी बेटा 10% वेटेज आप लोगों के क्विज की। ओके मैम, और मैम ये कब होगा एक बार दोबारा रिपीट कर दें बेटा। मैंने तय नेक्स्ट थर्सडे, आज थर्सडे है, जो नेक्स्ट थर्सडे को मैं उसमें आप लोगों का क्विज कर दूंगी क्लास से पहले, कोई भी टाइम किसी भी टाइम आप लोगों का बता दूंगी, क्लास से पहले या क्लास के बाद, मॉर्निंग में रख लेंगे या क्लास के बाद का टाइम कर लेंगे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर, या वेडनेसडे को रखना। लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी आपने कहा था मैं कर दूंगी। हाँ जी बेटा वो मैं कर दूंगी, बस 3 लेक्चर की चाहिए, बाकी तो मैंने आप लोगों को सबको सेंड कर दी हुई है। मैम वो ओपन ही नहीं हो रही है बेटा, उनको टाइमली ओपन करते हैं ना आप लोग, क्यों जब एक चीज का पता है कि 1 वीक के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती तो आप लोग क्यों इतना डिले करते हैं? आप लोग फर्स्ट टाइम तो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। डाउनलोड सारे मैम कर लिया है, सारी हो गई है, सारी एक्सेस हो रही है अभी तक। बेटा आपके पास सारी है ना तो प्लीज आप मुझे सेंड कर दो, मैं दोबारा ईमेल कर दूंगी। ठीक है, मैं आपको लिंक भेज से आज ही अपलोड करके लिंक भेज देती हूँ। ठीक है, वैसे बेटा आप लोग प्लीज सेफ साइड के लिए, आप लोग सब मेरे सब्जेक्ट में नहीं, आप लोगों को जब एक चीज का पता है कि 1 वीक नहीं है अवेलेबल तो आप लोग टाइमली इसको अपने पास डाउनलोड कर लें, ठीक है? और वैसे मैं ये भी कर रही हूँ कि मैं ड्राइव भी बना रही हूँ, ड्राइव में या तो लिंक उसमें आप लोगों का कोई एक लेबल या कुछ ग्रुप करती हूँ, इसमें मैं कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ, तो LMS पे भी इसका लिंक शेयर कर दिया करूंगी, और या फिर इसको ड्राइव के थ्रू कुछ करते हैं, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, और मुझे समटाइम्स मेरे इतने लेक्चर्स होते हैं कि मुझे याद नहीं रहता कि मैंने भी डाउनलोड करना है, मैं तो जैसे ही मेरे पास आती मैं फोन आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, ठीक है? तो आप लोग प्लीज अपने पास रिकॉर्डिंग पे एटलीस्ट डाउनलोड रखें, लेकिन मैं भी आप लोगों के इस इशू को देखती हूँ, कुछ ना कुछ कॉल रेट देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थर्सडे को आप लोगों का क्विज होगा, अगर उसको हम वेडनेसडे को रखना चाहते तो हम वेडनेसडे को भी रख सकते हैं। मैम जी जी मैम क्लास जी, टाइमिंग का मैंने मेल की थी मैम, थर्सडे ठीक है, थर्सडे ठीक है, चलें मैम थर्सडे ठीक है, चलो ठीक है फर्स्ट। जाहिद आपसे मैं बाद में लेक्चर के एंड पे बात करती हूँ, ठीक है? आप क्लास में रहिएगा, मैं लेक्चर के एंड पे आपसे डिस्कस करती हूँ, ठीक है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। और किसी को वर्दा, आपको कोई प्रॉब्लम? आदिल, रियाज, आपको कोई इशू? यस मैम, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम, प्रीवियस लेक्चर से था, कीमोकाइन रिसेप्टर वाली जो बात थी वो समझ नहीं आई थी, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर दें दोबारा। बेटा कीमोकाइंस, मैंने ये बात की थी कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि बेसिकली कीमोकाइंस केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो तब रिलीज होते हैं जब हमारे पास हमारी बॉडी में कोई ना कोई वायरस कोई बैक्टीरिया आया, ताकि वो इसलिए रिलीज करते हैं ताकि उस पॉइंट पे जो भी वहां पे जिस पॉइंट के ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है वहां पे सब सेल्स आ सके, ठीक है? तो क्या हमने कहा था कि कीमोकाइन रिसेप्टर्स, हमने कहा था कि CXCR4 CCR5 होते हैं, ठीक है? या हमने कहा था वो कोर रिसेप्टर भी हैं, ठीक है? तो वो इसीलिए होते हैं ताकि फर्दर अगर एक सेल वहां पे है तो वो अदर सेल्स को भी सिग्नल्स जा सकें कि ताकि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो है वो कोई इशू है, और सेल उस पॉइंट पे आके सब सेल्स जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है? यस मैम। तो मैम ये CCR5 ये वाली बात, मतलब ये बॉडी के होते हैं और HIV उनको यूज करते हैं? हाँ जी, CCR5 जो होते हैं बॉडी के हमारी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, HIV उनसे बाइंड करते हैं, और जब उनसे बाइंड करते हैं तो कीमोकाइंस रिलीज होते हैं ताकि फर्दर और भी सेल्स वहां पे आ सके। ओके थैंक यू मैम। जी बेटा, और किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम वो जो होम टास्क था जो आपने लेक्चर नंबर मेरा ख्याल में 4 में दिया हुआ था लास्ट जी, तो उसके बीच में रीअसोर्टमेंट वायरसेस जो है उसका थोड़ा बता देंगे वो, क्योंकि मुझे सही से समझ नहीं आया था जब मैंने देखा है उसे ना। कौन सा वायरस है? तो उसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 के
और लेक्चर नंबर फोर में, फोर में यस मैम फोर में है। जी उसमें क्या डिस्कस करना है उसको मैम? ये जो उसका फोर्थ क्वेश्चन है रीअसॉर्टमेंट वायरसेस है वो गलत भी लिखे हैं उसकी स्पेलिंग। दूसरा ये कि उसका मुझे पता नहीं लगा कि वो है क्या, उसमें क्या है मतलब वायरसेस को क्या करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे जब मैंने देखा था तो उसमें था कि वो उनके मतलब उनके बीच में जो होते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वगैरह करते हैं। रीअसॉर्टमेंट ये है कि एक जेनेटिक मेकअप बनता है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है वायरस का, उसको हम रीअसॉर्टमेंट कहते हैं। और यही है कि जब अगर दो डिफरेंट वायरसेस के हम एक जीन को, अगर एक वायरस हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एच आई वी का है और साथ में हम हेपेटाइटिस के जीन को उसमें इंसर्ट कर देते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं न्यू स्पीशीज का, तो उसको हम रीअसॉर्टमेंट कहते हैं। ठीक है, जिस तरह ये वैक्सीन से हम उसको बेसिकली यूज करते हैं वैक्सीनेशन के लिए मैम। हां माइक को म्यूट कर सकते हैं, तो जिसमें हम बेसिकली जेनेटिक मटेरियल की जो मिक्सिंग करते हैं ताकि हम न्यू कॉम्बिनेशन बना सकें, न्यू स्पीशीज को बना सकें, तो वो बेसिकली असॉर्टमेंट में आते हैं। इसमें हम प्लाज्मिड भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम क्रोमोसोम्स में भी इंसर्ट कर सकते हैं इसको, तो ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है मैम, मुझे यही लगा तो मैंने कहा मैं आपसे बस क्लियर कर लूं कि ये है। ठीक है स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। ठीक है, किसी और को अंदर कुछ पूछना तो नहीं, कोई इशू? और मैम बस नैनो पार्टिकल्स का यही लिखना है ना कि 1 नैनोमीटर से जो है वो 100 नैनोमीटर के दरमियान से होते हैं। और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वायरसेस में लार्जेस्ट तो पता लग गया था, स्मॉलेस्ट की दो स्पीशीज थी और उनका मतलब एग्जैक्ट किसी का नाम नहीं था वायरस का कि कौन सा है, तो उसको आपको बेसिकली मैंने क्वेश्चन इसलिए ऐड किए थे कि ताकि आप लोग खुद थोड़ा सर्च कर सके नेट से रिलेटेड। उसमें जो भी आप सर्च किया था लेकिन मुझे स्मॉलेस्ट का ना वो सिर्फ एक जैसे स्मॉलेस्ट जो होगा ना वो नहीं एग्जांपल मिली, मुझे स्पीशीज की मिली है। लार्जेस्ट की तो मिल गई थी कि कौन सा एक है जो सबसे बड़ा है, स्मॉलेस्ट में थोड़ा सा है वो बेसिकली वो स्पीशीज के मेंशन करते हैं, तो जस्ट आपको और आपको खुद सर्च करें खुद पढ़ें चीजों को। ठीक है थैंक यू। अच्छा बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम लोग बच्चों म्यूट कर लें माइक। अच्छा बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ वायरल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। मैंने आप लोगों को पहले भी लेक्चर्स में बताया कि हम लोगों ने कुछ जो है वो डिस्कस करने हैं लेबोरेटरी प्रोसीजर्स और लेबोरेटरी टेक्निक्स को। ठीक है, तो लेबोरेटरी टेक्निक्स को आज हम बात करते हैं कि कौन कौन से लैब के टेस्ट हैं, इसमें हमारे तीन लेक्चर्स या फोर थ्री या फोर लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। ठीक है, आज एक हम न्यू पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने उसमें सिलेबस में। ठीक है, तो आज का जो बेसिकली हम वायरल की डिटेक्शन क्यों करते हैं, डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। हम सबसे पहले उसको माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप भी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी आ जाती है। देन हम वायरस लेबोरेटरी में डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें सेल कल्चर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर हम वायरस की ग्रोथ करवाते हैं। हीमोग्लुटिनेशन ऐसा है जिसमें हम क्या करते हैं ब्लड के साथ ब्लड सेल्स के साथ ग्लुटिनेशन कहते हैं बच्चों क्लंपिंग को चेक करते हैं। देन हीम ग्लूटिनेशन इनहिबिशन है कि अगर क्लंपिंग नहीं हो रही तो उसको इनहिबिशन कहते हैं हम। ठीक है, वो मेथड इसमें आ जाता है। देन इसमें हम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो हैं उनके थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें अलाइजा मेथड आता है, वायरस की एंटीजेंस को चेक कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें पीसीआर आ जाता है, जीन सीक्वेंसिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं वायरल की डिटेक्शन के, जो कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सिंपलेस्ट मेथड से करते हैं जो कि माइक्रोस्कोपी है, और देन हम मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स साइड पे जो कि क्या है उसका जीनोम का स्ट्रक्चर है, जीनोम की सीक्वेंसिंग है और पीसीआर आ जाता है। ठीक है, सैम्पलिंग लेंगे ऑब्वियसली, अगर हमने कोई भी टेस्ट परफॉर्म करना है तो हमें उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, सैंपल रिक्वायर्ड होगा। क्लियर,
तो हम इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ सैंपल्स जो है वो हम बायोलॉजिकल टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं। हम लोग सैंपल लेते हैं तो उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं, डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का हमने टेस्ट, कौन सा टेस्ट करना है, क्या उसकी डायग्नोसिस करनी है और उसके लिए कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, जिसमें अगर हमने एंटीजन चेक करनी होती है तो उसके लिए हमें ब्लड रिक्वायर, ब्लड में से सीरम चाहिए होते हैं। ठीक है, अब हमने कल्चर लगाना, तो कल्चर तो बच्चों स्पूटम पे भी लग सकता है, ब्लड पे भी लग सकता है, यूरिन पे भी लग सकता है, डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स पे भी लग सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसा यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि ब्लड को हम यूज करते हैं एंटीबॉडी एंटीजन के डिटेक्शन के लिए, और वायरेमियाज को मॉनिटर करते हैं कि कितना इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, स्पूटम, गॉर्गल, ये सब चीजें जो होती हैं इनको हम बेसिकली यूज करते हैं कल्चर के लिए। फीसिस को भी हम यूज कर सकते हैं, बट जब हमारे पास क्या हो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, जिस तरह स्वैब्स हम ले लेते हैं, CSF ले लेते हैं, बायोप्सिस का भी ले लेते हैं, ड्राई ब्लड स्पॉट्स, ये सब किसमें आ जाती हैं, इसकी सैंपलिंग में चीजें आ जाती हैं। अच्छा बच्चों, कुछ अब हमने फर्दर जो टेस्टिंग साइड पे मूव करना है, उससे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। ठीक है, कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीजेनिसिटी क्या होते हैं, एंटीजिनीमिया क्या होता है। ठीक है, तो एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सके और प्रोटीन्स जो कि फाइट करती हैं उस एंटीजेंस के अगेंस्ट। ठीक है, अब वो कितनी अमाउंट में एंटीजन बॉडी में डिटेक्ट होती है या ब्लड में, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजिनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजिनीमिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टर्म है एंटीजेनिसिटी, वो है कि एंटीजिन जो हमारी बॉडी में है उनकी कितनी एबिलिटी है कि वो एंटीबॉडीज के साथ या टी सेल्स के साथ बाइंड करके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके। ठीक है, एंटीजिन वो सब्सटेंस है जो कि इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। एंटीजिनीमिया जितनी अमाउंट हम उसको ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं वो एंटीजिनीमिया है। एंटीजिनिसिटी ये है कि कितनी एबिलिटी होती है उस एंटीजिन की कि वो एंटीबॉडीज के साथ कंबाइन करें। एंटीवायरल वो सब्सटेंस ड्रग जो कि क्या करता है, वायरस को डिस्ट्रॉय करता है, सप्रेस करता है उसको, रेप्लिकेशन को, हम कोई थेरेपी ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई ड्रग ले रहे हैं या कोई प्रोसेस जो कि वायरस की रेप्लिकेशन को स्टॉप कर रहा है, वो एंटीवायरल है। कैरियर वो चीज होती है जो कि वायरस को कैरीज कर सकती है इन्फेक्शन के फॉर्म में और वाइल इट इज इन द इनक्यूबेशन। ठीक है, जिसमें होस्ट है, अगर हमारी बॉडी के अंदर वायरस आ गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या है उसे कैरियर ही है, क्योंकि या तो वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा या फिर हो सकता है कि उसमें इंक्यूबेशन में चला जाए। ठीक है, कीमोथेरेपी जो है वो ट्रीटमेंट, वो डिजीज का ट्रीटमेंट, वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ड्रग, केमिकल एजेंट जो कि क्या करता है कि उसको हम यूज करते हैं, इसको हम ऑलवेज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेफर नहीं करते। कोई भी चीज जो कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं या केमिकल एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी कह देते हैं। एंडेमिक है, एपिडेमिक्स है, पैंडेमिक्स है, चीजें तो आप लोगों को पता ही होंगी। एंडेमिक वो होती है जो कि किसी पार्टिकुलर लोकेशन के लिए या पॉपुलेशन के ग्रुप के लिए होती है। एपिडेमिक वो है जो कम्युनिटी को होती है, और पैंडेमिक वो चीज होती है जो पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसमें आजकल आपको पता है कोरोना जो है वो क्या पैंडेमिक है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये क्या स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, देन कॉन्टेगियस वो डिजीज होती है जो कि ट्रांसमिट होती है कॉन्टेक्ट के साथ भी पर्सन से अनदर, उनको हम कॉन्टेगियस डिजीज कहते हैं। इम्यून डिफिशियंसी के टर्म जो हम वो है कि अगर हमारी बॉडी जो होती है उसकी एबिलिटी बहुत बहुत कम हो जाती है, इम्यूनिटी की इम्यून सिस्टम सेल्स कम हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो पर्सन जो होता है वो ससेप्टेबल हो जाता है डिजीज के लिए। ठीक है, तो इम्यून डिफिशियंसी यही है कि बॉडी की अपनी एबिलिटी जो होती है बहुत कम हो जाती है। ऑब्वियसली अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो हम लोगों को डिफरेंट डिजीज के क्या होंगे बहुत जल्दी हो जाएंगे। इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और इंक्लूजन बॉडीज हैं। ठीक है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट जो है बेसिकली नॉर्मली फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और इम्यूनो कॉम्पिटेंट एक ऐसा बंदा जिसकी नॉर्मल और का इम्यून सिस्टम कॉम्पिटेंट है, वो कम्पीट कर सकता है एंटीजेंस के साथ, वायरसेस के साथ, बैक्टीरिया के साथ, वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है। बट एज कम्पेयर टू अदर पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम डैमेज है, उसको डिफरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो वो क्या, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज ये होती हैं कि जब हमारी बॉडी के वायरसेस को या बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करती है, इनगल्फ करती है, तो उसमें जो उनके जो डेब्रिस होते हैं, जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और रेप्लिकेशन के दरमियान जो बनते हैं अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स, उनको हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रोफाइलेक्सिस, फिर वायरेमिया है, देन विरुलेंस है और फिर वैक्सीन है। ठीक है, तो प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट गिवन एक्शन टेकन टू प्रिवेंट डिजीज। ठीक है, कि हमने
डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी ऐसे एक्शन या जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद कुछ लोगों को एलर्जी एक्सटेंट एट द फर्स्ट टाइम कुछ को एलर्जीज भी हो जाती हैं, तो उसको एक्शन को जो हम मेजर करते हैं, हम चेक करते हैं कि डिजीज को कितना प्रिवेंट कर रहे हैं, वो प्रोफाइल एक्सेस आ जाते हैं। जो अमाउंट होती है ब्लड के अंदर वायरस की, क्या वायरस कितना प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर, उसे हम वायरिमिया कहते हैं, उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो उसमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, क्योंकि सब बैक्टीरिया सब माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं पैथोजेनिक नहीं होते, ठीक है, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक होते हैं, कुछ जो होते नहीं होते, तो उनके कितनी एबिलिटी है कि वो डिजीज कॉज कर सकें, उसको हम विरुलेंस कहते हैं। और उस डिजीज को खत्म करने के लिए या उस डिजीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या होती है, एक ऐसा एंटीजेनिक कंपोनेंट है जिसको हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेट कर देते हैं, या तो उसमें हम जीन्स प्लास्मिड इंसर्ट कर सकते हैं, या उसको हम हीट कर देते हैं। क्या होता है कि जिसका पैथोजेनिक पार्ट जो होता है वो डेड हो जाता है, बट वो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है। तो जैसे ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो क्या होता है कि वो जब भी दोबारा कभी इन्फेक्शन होता है उसका, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी उसको फौरन से डिस्ट्रॉय कर देती है, या उसके अगेंस्ट अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम बहुत इजी है, जस्ट टर्म्स हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को इस डिस्कशन के लिए कि आगे हम इनको डिस्कस करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन को, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्ट लेक्चर में बता दिया था कि फर्स्ट जो सिंपल जो हमारे पास जो है मेथड है इसको आइडेंटिफाई करने का, वो क्या है, माइक्रोस्कोप है। तो आपको पता है कि माइक्रोस्कोप हमारे पास तीन तरह की होती है, लाइट माइक्रोस्कोप होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, और यूवी माइक्रोस्कोप होती है। लाइट माइक्रोस्कोपी का तो आइडिया है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं नाइन्थ क्लास से कि लाइट की आंख होता है, उसके अंदर किस तरह से उसको हम का प्रिंसिपल क्या होता है, लेकिन इसमें हम किन चीजों को रिवील कर सकते हैं, किन को चीजों को हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कि हम इसमें इंक्लोजन बॉडीज दे सकते हैं, हम इसमें मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल्स देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इंक्लोजन बॉडीज किस किस कंडीशन में बनती है, एक तो ये कि हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन हो तो उसमें न्यूक्लियस में होती है, और अगर पॉक्स वायरस का हो तो उसमें कहाँ पे होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। इसकी एग्जाम्पल जो है टिजेंक स्मेयर भी है, जिसमें जो होता है हर्पिस वायरस के अंदर मल्टी न्यूक्लियेटेड जॉइंट सेल्स जो होते हैं स्किन लेयर्स के अंदर। देन अगर साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन है तो उसमें क्या होंगे, हमें ऑल शेप आई बॉडीज नजर आएंगे, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज नजर आएंगे, क्लियर। बच्चों इस तरह के जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं ये वाइवस में इंपॉर्टेंट होते हैं कि साइटोप्लाज्म में किसमें इंक्लूजन बॉडीज बनती है, न्यूक्लियस में किसमें बनती हैं, ऑल्स आई हमें किसमें नजर आती हैं, टीजेंग स्मेयर का काम क्या होता है कि उसमें मल्टी न्यूक्लियर हमें जॉइंट सेल्स नजर आते हैं किसमें, स्किन के लेयर में, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं फिगर में, ये क्या है, ये हर्पिस का इन्फेक्शन है, तो आप देख सकते हैं इसमें इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज है ऑल्स आई शेप की, ठीक है, ये चीज या इसमें तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम बात करें तो ये वायरस के पार्टिकल को डिटेक्ट कर देती है, उसकी मॉर्फोलॉजी को। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है या लाइट माइक्रोस्कोप में हमें डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बताती, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम डिटेल जो स्ट्रक्चर को डिस्कस कर सकते हैं, तो हम इसमें पूरे के पूरा वायरस को हम डिस्कस कर सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं, उसके साइज को देख सकते हैं, कौन से वायरस का इन्फेक्शन है। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो उसमें हम इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। बच्चों इम्यूनो का वर्ड यहाँ पे यूज होगा, वहाँ एंटीबॉडीज आएंगे, क्या आएंगे, एंटीबॉडीज आएंगे, ठीक है। एंटीबॉडी अटैच टू वायरल एंटीजेंस विद इन द टिश्यू स्पेसिमेन, तो क्या होगा कि इसमें हम एंटीबॉडीज टिश्यूज लेते हैं बायोप्सी के थ्रू, उसके ऊपर हम फिर एंटीबॉडीज ऐड करते हैं, तो अगर एंटीजन प्रेजेंट होगी तो एंटीबॉडीज से बाहर कर जाएगी, और फिर उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, हम क्या कहते हैं, इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं। मैम ये अरीज आसिफ से कहें अपना माइक म्यूट कर जाए, बहुत शोर हो रहा है।
बेटा मैंने सबको म्यूट ऑल किया था और मैंने अभी सबको किया है अनम्यूट किया, किसी ने कोई क्वेश्चन आप पूछना हो रीजा बेटा अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें, अदरवाइज मैं सबको फिर म्यूट कर दूंगी। अच्छा बच्चों ये आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अगर हम देखें तो हम एवियन फ्लू वायरस जो है इसका पूरे का पूरा वायरस का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, हम उसकी मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, उसका साइज देख सकते हैं, रूबेला जो है इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये फायदा होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम पूरे वायरस की स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इमर्जिंग डिजीज में हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, पार्वा वायरस है, मॉन्की पॉक्स है, मेटानीमा वायरस है, मोरबिली वायरस है, नीफा वायरस है, इनके थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यहाँ पे यूज नहीं है, बहुत कम है, आई थिंक पाकिस्तान में भी एक या दो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट हो गए, ठीक है, यहाँ पे ये है। इसका एडवांटेज ये कि तो ये फास्ट है, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर नहीं होता, हमें कोई स्पेशल रिएजेंट्स एंटीबॉडीज वगैरह रिक्वायर्ड भी नहीं होते, ना हमें कोई फर्दर टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है कि हम उसका PCR लगाएं, उसके जीनोम्स को देखें, हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी नहीं आ सकते। बेटा फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे सिमिलैरिटीज होती है दो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो क्या फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि जो टीबी का माइकोबैक्टीरियम जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ठीक है, इन दोनों के बैक्टीरिया जो है बहुत सिमिलर है, उनके एंटीजन सिमिलर है, तो हो सकता है किसी पेशेंट को जो है वो स्ट्रेप्टोक निमोनिया का इन्फेक्शन हो और का ना हो और हम कह दें कि इसको तो स्टेफ और इसका इन्फेक्शन है, तो ये क्या फास्ट पॉजिटिव का इन्फेक्शन किसी और का था बट हमने नेगेटिव दे दिया कि इसको इसका इन्फेक्शन है बट उसका इन्फेक्शन नहीं था, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स इसमें नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि हमें इसमें वही चीज नजर आ रही है जो कि रियल थिंग में है। लिमिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट यही इसका डिसएडवांटेज है, एक तो ये कि बहुत एक्सपेंसिव है और देन ये कि जिसने जो भी ट्रेंड पर्सन ट्रेंड प्रैक्टिशनर्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं उनको वायरोलॉजी का नॉलेज हो, उनको वायरसेस की पता हो, उनका स्ट्रक्चर की ना हो, उनका साइज का पता हो, ठीक है, तो ये सब इसके क्या है लिमिटेशंस में आ जाता है। बच्चों यूवी माइक्रोस्कोप जो है इसको मोस्टली हम आजकल यूज कर रहे हैं स्पेसिमेंस को हम ट्रीट करते हैं फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के साथ, ठीक है, और इसमें हम ट्रैक कर सकते हैं वायरस के DNA को किसमें सेल्स के अंदर, ये चीज इसमें बेसिकली हमें क्या होता है कलर्स नजर आते हैं, इसमें आपको डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है या ये रेड है, तो ये बेसिकली डिपेंड करते हैं हम कौन सा डाई यूज कर रहे हैं, जो रिएजेंट जो होता है उसको हम डाई कहते हैं, तो वो डाई जो हम यूज करते हैं वो क्या करता है जहां जहां पे एंटीजन उसकी प्रेजेंट होंगी वो उससे बाइंड करते हैं और वहां पे हमें कलर शो करता है, तो ये किसमें आता है बच्चे यूवी बेस्ड जो माइक्रोस्कोपी होती है उसको हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे हम लोग एक हम करते हैं किसको इम्यूनोफ्लोरेसेंस, तो किसको बच्चों इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या होगा कि हम एंटीजेंस और एंटीबॉडी का रिएक्शन देखेंगे लेकिन साथ में वहां पे फ्लोरेसेंट है तो क्या प्रोड्यूस होगा कलर प्रोड्यूस होगा, इसमें यही चीजें आ जाएंगी, इसकी इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसका प्रिंसिपल आ जाएगा, फ्लोरोफोर्स क्या होते हैं, रिएजेंट्स कौन से होते हैं, हम कौन से रिएजेंट्स को यूज कर सकते हैं, उसके टाइप्स और देन उसकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोपी में यूज करते हैं बट विद द फ्लोरेसेंट हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होती है वो कौन सी होती है बच्चा फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप होती है, इसको हम सैंपल्स में यूज कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए, और वही बात है कि मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली डिजीज टिश्यू और सेल्स के इम्यून रिस्पॉन्स को इनकाउंटर करती है, ठीक है, कि क्या उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज बनी है, टिश्यूज के अंदर एंटीबॉडीज तो नहीं, क्लम्पिंग तो नहीं हो रही है, एंटीजन एंटीबॉडी के क्लम्प्स तो नहीं बन रहे, उनकी ग्लूटिनेशन तो नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो सब चीजें इसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं। मोस्ट इसको वाइडली यूज आजकल किया जा रहा है, इसमें फ्लोरोफोर्स जो रिएजेंट्स होते हैं वो अपने एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करते हैं, जो एंटीबॉडीज होती है वो अपनी एंटीजन प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स या जो अदर एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर देते हैं, ठीक है, तो फ्लोरोफोर्स एंटीबॉडीज इनको हम कमर्शली प्रिपेयर करते हैं। इसकी मेन एग्जांपल जो है वो इम्यूनो स्टेनिंग है और साथ में इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, बच्चों इम्यूनो यहाँ पे एंटीबॉडीज हिस्टो कहते हैं टिश्यूज को और केमिस्ट्री की जहाँ पे उसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, तो हम बेसिकली टिश्यूज लेते हैं, टिश्यूज के ऊपर टिश्यूज में एंटीजेंस होंगी अगर वायरस की, तो जो हमने कमर्शली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं जिनके साथ कलर भी अटैच है
वो उसके ऊपर जब हम ऐड करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे इस तरह से प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा जैसे कलर शो होता है, जिस तरह से हमें कलर्स नजर आ जाते हैं उसमें, ठीक है। ये है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये है कि जो फ्लोरोफोर्स होते हैं वो क्या होता है बच्चों, उसकी वो स्पेसिफिक वेवलेंथ का कोई ना कोई पार्टिकल होता है, ठीक है। वो क्या करता है अपनी लाइट को सर्टन वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब वो क्या करता है बाइंड करते हैं अपनी एंटीबॉडीज के साथ, तो वो क्या करता है एक्साइट स्टेट में आ जाता है उसी वेवलेंथ के ऊपर, उस वेवलेंथ वो क्या करता है फिर लाइट को एमिट करते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हैं, ये क्या है सबसे पहले उसने लाइट को क्या किया एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो गया, वो एक्साइट हो गया। जैसे ही वो अपनी प्रॉपर एंटीजन के साथ क्या करता है एंटीबॉडी बाइंड करता है, तो वो इस लाइट को क्या कर देता है एमिट कर देता है और वापस आ जाता है किसके अंदर अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे जो लाइट एमिट होती है वो उस लाइट से हम देख ले, उस लाइट के थ्रू हमें वहां पे क्या नजर आते हैं जो भी हमारे रिजल्ट होंगे वो हमें शो हो जाते हैं, ठीक है। ये है बच्चों फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। इसको हमेशा डार्क में यूज किया जाता है, कभी भी इसको लाइट में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज होती है कि क्या था सेल था, अगर वो एंटीजन है सेल के अंदर एंटीजन है, तो ये हमने क्या किया जो लाइट है एक्साइटेशन जो हमारा फ्लोरोफोर एजेंट है वो आएगा, अगर इसके पास लाइट है तो उसने अब्सॉर्ब करेगा साथ बाइंड करके वो क्या कर देगा फिर एमिट कर देगा। फ्लोरोफोर्स क्या होते हैं, फ्लोरोफोर्स बेसिकली कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जब ये सेकंड वेवलेंथ जो डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर लाइट को क्या कहते हैं सेंड करते हैं, ठीक है। जब वो अपने ग्राउंड से एक्साइट में आते हैं तो उन्होंने एक वेवलेंथ को अब्सॉर्ब किया, लेकिन जब वो एक्साइट होने के बाद दोबारा ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वहां पे वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को सेंड करते हैं, ठीक है। और वहां पे जब वो डिफरेंट वेवलेंथ को सेंड करते हैं तो वहां पर डिफरेंट कलर्स क्या होते हैं जनरेट होते हैं। जिस तरह जो आइसोथायोसाइनेट जो है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, रोडामाइन जो है वो ऑरेंज प्रोड्यूस करता है, और टेक्सस रेड जो है वो रेड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो क्या ये फ्लोरोफोर्स होते हैं जिनका मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर। ये बच्चों आगे इनकी वेवलेंथ है, ये आप लोगों को इतनी याद करने की जरूरत नहीं, बस कॉमन जो हमने किए हैं उनका पता होना चाहिए आपको। टेक्सस रेड है ये रेड शो करता है, रोडामाइन जो है ये ऑरेंज है, और फ्लोरोसेंट जो होगा वो ग्रीन कलर शो करता है। अब बच्चे इसके दो तरह के टाइप्स होते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस की, ठीक है। एक डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है और एक जो होती है वो इसकी इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट का मतलब ये है कि डाई जो होती है वो एंटीबॉडी के साथ अटैच होती है और सैंपल के ऊपर जो भी एंटीजन है उसको क्या कर लेती है डिटेक्ट कर लेती है। जैसे एंटीजन जो होती है वो हमारी स्लाइड के साथ अटैच होती है, उसके ऊपर जब हम एंटीबॉडीज डालते हैं वो क्या होंगी, वो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज होंगी। उसको हम वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग करने के बाद जो अनअटैच एंटीबॉडीज हैं वो उसमें से रिमूव हो जाती हैं, और फिर उस लाइट को हम किस पे रखते हैं फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के ऊपर रखते हैं और उसको फिर हम एग्जामिन कर लेते हैं। बट इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, जो स्लाइड है उसके ऊपर क्या है टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर एंटीजन है, हमने उसके ऊपर एक और एंटीबॉडी डालनी है, उसके बाद उसके वो एंटीबॉडी डालने के बाद हम दोबारा एक सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी उसके साथ क्या अटैच होगा, फ्लोरोफोर अटैच होगा। क्या अटैच होगा बच्चों, फ्लोरोफोर। ये आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये डायरेक्ट का है, सिंपल आपके पास क्या है एंटीजन टिश्यू के ऊपर, उसके ऊपर हमने फ्लोरोफोर एंटीबॉडी डाल दी है। लेकिन जो इनडायरेक्ट है उसमें पहले एक एंटीजन थी, उस पर हमने एक एंटीबॉडी डाली और फिर दोबारा हमने उसके ऊपर फ्लोरोफोर वाली एंटीबॉडी जो है वो उसके साथ अटैच करवा दी, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे एंटीजन होगा तो कलर जनरेट होगा, कलर प्रोड्यूस होगा, अगर एंटीजन नहीं होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है। एडवांटेजेस यही है कि टाइम रिड्यूस होता है इसमें, नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें कम है, कोई बैकग्राउंड सिग्नल्स नहीं आते, कि ऐसा नहीं कि स्लाइड्स की बैक पे, क्योंकि कलर्स है ना, कलर्स की सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं बैक पे कहीं पे स्पॉट्स आ जाते हैं या आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं या डिफरेंट जो टिश्यूज होते हैं वो आते हैं, तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बैकग्राउंड सिग्नल्स जनरेट नहीं होते, क्रॉस रिएक्टिविटी जो होती है वो भी बहुत कम होती है, लेस सेंसिटिव है डायरेक्ट जो है एज कम्पेयर टू द इनडायरेक्ट, और इसमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। जो फॉल्स नेगेटिव ये होता है कि एक पेशेंट को डिजीज थी बट हमने उसे कह दिया कि इसको डिजीज नहीं है, तो वो क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव होगा। इनडायरेक्ट जो होती है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें हमने दो एंटीबॉडीज डालनी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन इसमें फ्लेक्सीबिलिटी जो होती है वो क्या होती है ज्यादा होती है।
लिमिटेशन यही है कि इसमें हम जो क्या होता है कि जो फ्लोरोफोर्स यूज कर सकते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होती है उनके बॉन्ड्स की, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी हो सकती है क्योंकि जब वो एक्साइटेशन स्टेट से वापस अपने उसमें आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो वो कहीं और किसी भी टिश्यू की और जो एंटीजन है अगर उसमें प्रेजेंट है तो उनके साथ भी बाइंड करके फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग, ये है जी आप लोग एक प्रॉपर जो कि हम टिश्यू लेते हैं किस तरह से लेते हैं और उसके फर्दर आगे हम क्या टेस्टिंग करते हैं, ये वो चीजें बच्चों। सबसे पहले हम लोग फिक्सेशन का मतलब कि आपको पता है कि टिश्यू किस तरह से ली जाती है, बायोप्सी से, कि हम बायोप्सी के थ्रू टिश्यू लेते हैं उसको हम फिक्स कर लेते हैं। अगर टिश्यू को हम फिक्स नहीं करते, फिक्सेशन नहीं करते, तो वो अपनी लाइफ कंडीशन में नहीं रहता। ठीक है, उसके जो एंजाइम्स हैं या जिसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होने लग जाते हैं। तो क्या होगा कि हम इसकी फिक्सेशन करते हैं, उसमें क्रॉस कुछ केमिकल्स या उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स डालते हैं ताकि उसकी मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी जो है वो भी मेंटेन रहे। देन उसके हम ब्लॉक्स बना लेते हैं। ब्लॉक्स जो होते हैं बच्चों वो इसलिए बनाते हैं ताकि, छोटे ब्लॉक्स इसलिए बनाते हैं ताकि, क्योंकि स्लाइड के ऊपर तो पूरा टिश्यू नहीं आ सकता, तो हम लोग उसके छोटे छोटे से ब्लॉक्स बना के उसमें से टिश्यूज को कटिंग करके वो स्लाइड्स के ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, हम फिर उसके ऊपर टिश्यूज को क्या करते हैं, उसको इनक्यूबेट कर देते हैं। या तो उसके हम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं या हम उसकी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी आएगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी आएगी, और उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप का एनालिसिस माउंटिंग करके, माउंटिंग होते हैं बच्चों के आपने टिश्यू को फिक्स करना होता है स्लाइड के ऊपर, कि जो भी स्लाइड के ऊपर एजेंट्स हैं, जो भी हमने उसमें स्टेनिंग की है वो उसके ऊपर फिक्स हो जाए। ठीक है, और उसके बाद उसका हम क्या कर लेंगे, माइक्रोस्कोप का एनालिसिस कर लेते हैं। डायरेक्ट है तो उसमें हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं, फिर उसके न्यूक्लियस की स्टेनिंग करते हैं, फिर उसकी माउंटिंग करते हैं, फिर उसका माइक्रोस्कोप का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पूरा लैब का प्रोसीजर या पाथवे बताया गया है कि किस तरह से इंटरेक्ट और इंटरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस को किया जाता है। एप्लीकेशंस यही है कि हम डिफरेंट टिश्यूज ले सकते हैं, स्किन से, मसल से, लंग से, ऑटो एंटीबॉडीज जो बनती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर अपनी सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती है उनको हम ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं, उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया और वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से ये हमें डिफरेंट पैटर्न्स शो होते हैं। बच्चों ये क्या डिफरेंट पैटर्न्स हैं, और मुझे याद है कि मैंने लास्ट टाइम सेमेस्टर में ये क्वेश्चन मैंने सब बच्चों से पूछा था कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस के पैटर्न्स कौन से होते हैं, मुझे किसी ने भी आंसर नहीं दिया था। ठीक है बच्चों, ये कहीं इम्यूनोफ्लोरेसेंस के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, या तो वो होमोजीनस में हमें रिजल्ट शो करेगा, ये देखें आप, ये होमोजीनस पैटर्न है क्या, इस तरह से रिजल्ट आ सकते हैं। स्पेकल्ड है जिसमें आप देखें इसमें सर्कल्स हैं, सेंट्रोमेरिक है कि आपको बिल्कुल स्मॉल स्मॉल इसमें डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये न्यूक्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से फोर पैटर्न्स होते हैं या इसके फोर रिजल्ट्स हमें शो होते हैं, होमोजीनस, स्पेकल्ड, सेंट्रोमेरिक और न्यूक्लियर आ जाते हैं। ठीक है, ये था बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों का, जिसमें हमने डिस्कस किया है इम्यूनोफ्लोरेसेंस को, यूवी माइक्रोस्कोपी को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को, लाइट माइक्रोस्कोपी को, और साथ में कुछ हमारे पास डेफिनेशंस थे और टर्म्स थे। जी क्लास, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना है? नो मैम, नो मैम। मैम क्विज से रिलेटेड पूछना है, ये कि आप जो आपने कहा एमसीक्यूज देंगी तो वो सिनेरियोस होंगे या सिंपल एमसीक्यूज होंगे? बेटा दोनों हो सकते हैं। मैम इसमें सिनेरियोस क्या बनाएंगे आप? जी इसमें सिनेरियोस क्या बनाएंगे, कैसे बनेंगे, कोई एक एग्जांपल दे दें ताकि उससे पता लग जाए। बेटा एग्जांपल देखें, हम आपने एक ही डिजीज पढ़ी है, एक एचआईवी की, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं पेशेंट का बता सकती हूँ कि एक पेशेंट है लैब का उसमें एचआईवी का, ठीक है, या फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जी उसके जो CD4 टी सेल्स हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना ही होता है तो अक्सर कभार स्टेटमेंट की समझ भी नहीं आती, फिर मतलब समझने में टाइम काफी लग जाता है। ठीक है, और मुझे पता है किस तरह से लेनी है। अगर आप लोग अभी से सिनेरियो बेसिस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर फाइनल में आप लोगों को मुश्किल होता है, फिर आप लोग ही बाद में बोलते हैं कि मैम ने तो कुछ लिया नहीं था, कुछ असेसमेंट नहीं ली थी। मैंने आपको बता दी किस तरह का असेसमेंट, कुछ इतना इतनी तो आपने कोई एक डिजीज पढ़ी है पूरी अभी तक, HIV पढ़ा है, उसी में से कोई ना कोई सिनेरियो आएगा, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी कोई सिनेरियो बेस वाला कोई लेक्चर है?
नो मैम. तो फिर ओके मैम. अभी तो आप लोगों ने आगे लेक्चर्स पढ़ने हैं जो पैरासिटिक डिजीज पढ़नी है, उसमें से सिनेरियो बन सकते हैं. इस तरह से भी तो अभी तो आपने एक लेक्चर पढ़ा है, बाकी तो सिंपल टर्म्स हैं, इंट्रोडक्शन है या वायरसेस का, और तो कुछ भी नहीं है. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम, ये जो पीछे फ्लो चार्ट था इसमें लास्ट स्टेप था माउंटिंग का, उसका आपने क्या बताया था? जो माउंटिंग होती है कि स्लाइड को हम फिक्स कर देते हैं, कि स्लाइड के ऊपर जो टिश्यू है, जो भी हमने स्टेनिंग की है, उसके ऊपर हम कवर स्लिप रख के उसका फिक्स कर देते हैं. अगर हम डायरेक्ट उसको माइक्रोस्कोप में टिश्यू को लेके आएंगे तो माइक्रोस्कोप के साथ जब आपको पता आपने यूज तो किया होगा कि जब लेंस लगेगा उस स्लाइड के साथ उस टिश्यू के साथ, तो टिश्यू को डैमेज कर देगा. तो हम लोग उसके ऊपर कवर स्लिप रख के उसको फिक्स कर देते हैं, माउंट कर देते हैं, ताकि वो टिश्यू डैमेज ना हो जब वो लेंस अगर उसके साथ लगे भी. ठीक है? ठीक है बेटा. जी मैम. और बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी स्टार्ट में बता दिया था कि जो बच्चे जस्ट 1 मिनट या 2 मिनट या 6 मिनट के लिए मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं अपने क्लास में एब्सेंट मार्क करूंगी. 30 मिनट तक एटलीस्ट आप लोगों ने मीटिंग ज्वाइन करनी है, नहीं तो मैं ऐसा डाटा मेरे पास है, अभी भी मेरे पास अटेंडेंस आप लोगों के सामने पड़ी है, मैं आप लोगों की फिर उसमें एब्सेंट मार्क कर दूंगी. ठीक है? और ठीक है मैम, अटेंडेंस की बेस के ऊपर ही और आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन की बेस के ऊपर मैं आपको स्थिति के मार्क्स का बताऊंगी. ठीक है? और ये कि आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप आप लोग ने बताया मैं साहब एक्सक्यूज मी मिस से दिला मिस आप 3:30 पे क्लास ले लिया करें, इस वक्त अब बिल्कुल याद ही नहीं था कि क्लास आज. बच्चों जब तक आप लोगों का जस्ट ये वीक तो वीक ही ऑनलाइन है, तब तक मैं आप लोग ले रही हूँ, उसके बाद जब आप लोग मैं समय पता ही नहीं है कि हमने यूनिवर्सिटी आना है कि नहीं आना. 3:30 पे क्लास हो, इसी ये बात मतलब कंफर्म है कि 1 वीक के बाद हम यूनिवर्सिटीज आएंगे. बच्चों इंशाल्लाह लाएंगे, ना हुई तो फिर हम चेंज कर लेंगे इसको. ठीक है? मेरा नहीं मैम, हमारी 3:30 पे क्लास होती है मैम. 7 जून से कह रही हूँ, ओपन होगी इंस्टीट्यूट, बाकी सब यार हमारी टाइम ओरिजिनल टाइम तो 3:30 बजे ही है. बच्चों किसको इशू है 3:30 से 5 में? कितने 2 बच्चों को इशू है बस 5 बजे क्लास लेने में? मैम क्लास होती है हम सब की. हम आपसे ये कह रहे हैं 3:30 होती है, 3:30 ही कर लें. तो बेटा इस टाइम आपको क्या इशू है लेने में? मैम ये ज्यादा लेट हो जाता है, 3:30 पे फ्री हो जाएंगे, एक ही क्लास होती है ना सिर्फ हमारी. यस मिस, ये इस वक्त बहुत लेट हो जाता है शाम को, तो वो इसीलिए बंदा क्लासेस का एक कैजुअल बना होता है, वो बंदा लेके फारिग हो जाता है एक दफा महीना. बेटा थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं टीचर के साथ के नहीं? यस मैम ठीक है, वैसे भी हमारी 3:30 पे क्लास होती है, 5 बजे ठीक है. मैम मेरा ना आज 2-3 दफा डिस्कनेक्ट हो गया था बार बार इंटरनेट के इशू की वजह से, तो वो आप देख लीजिएगा फिर. बेटा अगर आपने पूरा लेक्चर लिया है, वो मैंने कहा था जिनका डिस्कनेक्ट भी होता है तो आपका टाइम काउंट हो जाता है. ओके मैम, 1 मिनट उनके लिए जो आते हैं और ज्वाइन किया और फिर चले गए, मैं तो देख के ध्यान रहेगी क्योंकि जस्ट 1 मिनट. मैम क्लास लीव कर सकते हैं? हां जी सब लीव कर दें, मैं अभी लीव करने लगी हूं. ओके बच्चों, सबसे पहले क्या बात की है.